वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल टेक्निकल भूक। आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल न्यू टॉपिक की जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है, जिसका नाम है एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, डेफिनेशन की क्या होती है और एग्जांपल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो डेफिनेशन एल्गोरिथम की ये है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो कि किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और इसको हम डेटा प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ एक और डेफिनेशन दी हुई है जो कि बताती है कि एल्गोरिथम सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कैरी आउट होता है कोई भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नाउ फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम का एग्जांपल क्या होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। तो एल्गोरिथम जब भी हम बनाते हैं तो उसको स्टेप के हिसाब से लिखते हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, क्योंकि मैंने एल्गोरिथम में 6 स्टेप्स यूज़ करे हैं, तो स्टेप 1 से स्टेप 6 तक लिया है। तो पहला स्टेप पे हम लिखते हैं स्टार्ट, इसका मतलब होता है कि आपका एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है स्टॉप। तो मैंने 6 स्टेप पे लिख दिया है स्टॉप। तो स्टेप 1 पे स्टार्ट लिखने के बाद हम जाते हैं स्टेप 2 पे। यहाँ पे हम जो वेरिएबल्स लिए हैं उनको हमने लिखा है कि उनका नाम क्या है। तो मैंने डिक्लेयर वेरिएबल ए, बी एंड सम लिया है, ताकि दो नंबर्स ए और बी में आए और सम में हमारा एडिशन आए। फिर हम जाते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे हम ले रहे हैं वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो मैंने लिखा है रीड वैल्यू ए एंड बी। फिर उसके बाद हम जाते हैं स्टेप 4 पे। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैंने लिखा ऐड ए एंड बी एंड असाइन रिजल्ट टू सम। तो सम हमारा थर्ड वेरिएबल है, तो उसको मैंने लिखा है ए प्लस बी एरो सम। तो सम के अंदर यहाँ पे ए प्लस बी का एडिशन स्टोर हो जाएगा। फिर चलेंगे स्टेप 5 पे, वहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले सम। तो डिस्प्ले मतलब प्रिंट कराना। और फिर स्टेप 6 पे जाएंगे और हम लिखेंगे स्टॉप। तो अब आगे चलते हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखते हैं एल्गोरिथम के। तो एडवांटेज में पहला है कि स्टेप बाय स्टेप टू रिप्रेजेंट प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, एल्गोरिथम बहुत ही कुछ प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट, ये ईजी टू अंडरस्टैंड है। फोर्थ पॉइंट, इसके लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, इसको इजीली हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं और बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस पे। पहला पॉइंट, टाइम कंज्यूमिंग, इसको बनाने के लिए आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है। और सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। सो फ्रेंड्स, फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ कीप वॉचिंग अवर चैनल।